मेरा नाम हमाद शकील है और इस वक्त जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ वो मुझे बड़ी पसंद है और उसका नाम है कैसल्स ऑफ ब्रिटेन। अब वैसे भी जिन लोगों को आर्किटेक्चर का शौक होता है ना, तो पुराने कैसल्स और आर्किटेक्चर उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जब भी मैं किसी पुराने कैसल पर जाता हूँ तो मैं ये देख के हैरान रह जाता हूँ कि कई सदियाँ पुरानी, जबकि कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कोई मशीनरी भी नहीं थी, इतना परफेक्ट आर्किटेक्चर कैसे बन सकता है। यही ख्वाहिश मुझे खींच के ले गई बॉल्सओवर सिटी के अंदर, जहाँ मैंने एक्सप्लोर किया बॉल्सओवर का एक बहुत ही खूबसूरत, हसीन और शाहकार एक कैसल। आइए आज के व्लॉग में आपको लेके चलते हैं बॉल्सओवर कैसल। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। बॉल्सओवर कैसल इंग्लिश हेरिटेज का पार्ट है, जिसकी एंट्रेंस फीस है 17 पाउंड। मगर आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो पूरे यूके में जितनी इंग्लिश हेरिटेज साइट्स हैं वो सब विजिट करना फ्री है, सिर्फ 6 पाउंड मंथली की फीस में। कैसल की एंट्रेंस पे एक छोटी सी खूबसूरत शॉप भी बनी हुई है, जहाँ से आप अपने लिए मुख्तलिफ लिटरेचर और दूसरे शो पीस और एंटीक्स खरीद सकते हैं। किले के अंदर दाखिल होते ही चारों तरफ फैली हुई हरी घास आपको एक रेड कारपेट जैसी फीलिंग देती है, जैसे आप कोई शाही मेहमान हो और बादशाह से मिलने आए हों। मीलों तक फैला हुआ ये किला सबूत देता है इस बात का कि यहाँ रहने वालों ने एक शानदार जिंदगी गुजारी है। नीचे रोड से कई फुट बुलंदी तक बना ये कैसल चारों तरफ से शहर की हिफाजत भी करता था, क्योंकि दूर दूर तक का मंजर साफ इस बुलंदी से दिखाई देता था। द राइडिंग हाउस वो जगह है जहाँ पे ऊपर से बादशाह और मलका नीचे घोड़ों की ट्रेनिंग के मंजर को देखा करते थे। शायद कभी कभी बादशाह खुद भी नीचे जाकर घुड़सवारी के जौहर दिखाकर अपनी मलका को इम्प्रेस करता होगा। सामने एक पवेलियन की तरह से कुछ लोगों के बैठने की जगह भी बनी हुई है, जहाँ पे लोग लुत्फानंदोज होते होंगे घुड़सवारी से। इस पूरी बिल्डिंग की छत पे बड़ी कमाल महारत और फनकारी से लकड़ी का काम हुआ है। ऐसा लगता है जैसे किसी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पूरा यह कैसल की छत बनाई गई हो, क्योंकि रद्दी भर भी उसमें गलती नहीं थी और इतना अच्छा काम हुआ है कि ये देख के लगता ही नहीं है कि ये आज से 500 साल पहले हुआ है। राइडिंग हॉर्स के साथ ही एग्जीबिशन रूम है। एग्जीबिशन रूम में मुख्तलिफ जगह पे बादशाह के ड्रेसेस मौजूद हैं और मलका के ड्रेस भी हैं, और ये जाहिर करते हैं कि बादशाह हुसन परस्त थे और पसंद करते थे कि उनकी हमसफ़र खूबसूरत कपड़े पहन के उनके सामने आए ताकि उनको अच्छा लगे। एग्जीबिशन रूम से रास्ता एक हॉर्स राइडिंग की तरफ भी जाता है, जहाँ जाके आप बैठ के हॉर्स ट्रेनिंग के मंजर देख सकते थे। पुराने दौर की कुछ चीज़ें जैसे किले का एक बहुत ही खूबसूरत और मज़बूत दरवाज़ा भी अभी तक यहाँ पे मौजूद है। एग्जीबिशन रूम से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उसके साथ ही एक बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग थी, जो कि आम तौर पे डाइनिंग रूम और टेरेस के तौर पे इस्तेमाल होती थी। यहाँ पे मुख्तलिफ फायर प्लेस भी मौजूद थी, जो इस बात की गवाही देती हैं कि यहाँ शायद आग का अलाव रोशन करके कमरों को गर्म रखा जाता होगा। डाइनिंग एरिया से नीचे किचन की तरफ जाने का अलग से भी एक रास्ता ऊपर से नज़र आता है, शायद जैसे अक्सर बलाई मंजिल से नीचे बावर्ची खाने में आवाज़ लगा के बोला जाए कि एक रोटी और बना दें या कुछ खाना और बना दें, मेहमानों को खाना कम पड़ रहा है। डाइनिंग रूम के साथ ही टेरेस रेंज है और टेरेस रेंज से बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। बड़ी बड़ी खिड़कियों से मेहमान ना सिर्फ खाने के बाद मुख्तलिफ मशरूब के साथ लुत्फानंदोज़ होते होंगे, बल्कि साथ ही इन बड़ी बड़ी खिड़कियों से बाहर का दिलकश नज़ारा देखकर अपनी रूह को भी तस्कीन पहुंचाते होंगे। ये नज़ारा इतना खूबसूरत है कि मैं इस चीज़ को बआसानी इमेजिन कर सकता हूं कि यहां पे बैठने वाले लोग शायद खाना खाने के बाद खुशगप्पियों में कई घंटे गुजार देते होंगे इस मंज़र को देखते हुए। टेरेस से बाहर की जाने बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र था
ऊपर से नीचे बॉल्सओवर सिटी पे सड़क पे गुजरती हुई गाड़ियां बहुत ही छोटी सी नज़र आ रही थी और खूबसूरत घर एक सीक्वेंस में बने हुए बहुत ही प्यारे लग रहे थे। शायद पुराने ज़माने में कभी जंग का जब ऐलान होता होगा तो गालबन ये जो छोटी छोटी सी खिड़कियां आपको नज़र आ रही हैं जहां से गर्दन बाहर निकाल कर आप बाहर का नज़ारा इंजॉय करते होंगे उस वक्त एक मैदान जंग में बदल जाता होगा और तीर अंदाज चौकियां बनाकर वहां पर अपनी पोजीशन लेके अपने किले की हिफाजत के लिए दुश्मनों पे बुलंदी से हमला करते रहते होंगे। अब हम पहुंच गए हैं लिटिल कैसल के अंदर। बड़े से किले के बीच में ये जगह एक खास अंदाज में बनाई गई है ताकि इसको चारों तरफ से हिफाजत की जा सके। लिटिल कैसल में दाखिल होने के बाद सबसे पहला रूम एंट रूम है जहां सबसे पहले मेहमानों को लाया जाता था। एक छोटे से कमरों के चारों तरफ पेंटिंग्स हैं और हर पेंटिंग देखने वाले को एक अलग कहानी दिखाती है। देखने में मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये सारी पेंटिंग इंसान के जज्बात को दिखा रही हैं और फिर ज़िंदगी के हिस्सों को जैसे बीमारी, सेहत, खुशी, गम, इन तमाम चीज़ों को बयान करने की कोशिश की गई है। इस रूम के अंदर लकड़ी का शानदार काम हुआ है। लकड़ी के मजबूत दरवाज़ों पे पुराने ज़मानों के लॉक्स आज तक महफूज हैं। बादशाह विलियम यहाँ मेहमानों को ख़ुद रिसीव करता था और फिर यहाँ से उनको अपने महल के अंदर लेके जाता था। अब आपको लेके चलते हैं किले के अंदर मौजूद हॉल के अंदर और ये जगह बॉल्सओवर कैसल का एक बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही ग्रैंड स्पेस है। ये हॉल शायद बड़ी तकरीबात और अहम मुलाकातों के लिए इस्तेमाल होता था। इस हॉल की दीवारों पे आपको बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स नज़र आएंगी जो कि हरकुलस की कहानियों को बयान करती हैं। ये पेंटिंग्स उस वक्त के हीरोइक थीम्स को बयान करती हैं, जैसे दीवार पे लगी एक पेंटिंग जिसमें हरकुलस निहत्ते हाथों से एक डियोहेकल भैंसों को चारों शाने चित कर रहा है और साथ ही बनी एक और पेंटिंग जिसमें एक घोड़ा अपने मालिक से वफादारी का सबूत दे रहा है। हॉल में एक बहुत ही बड़ी फायरप्लेस भी है जो इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ाती है। रात के अंधेरे में दहकती हुई आग की रोशनी में ये पेंटिंग्स बहुत ही हैबतनाक मंजर पेश करती होंगी। हॉल की एक तरफ एक बर्तनों का रैक भी मौजूद है जो ये बताता है कि ऊपर मंजिल पे मेहमानों को लेके जाने से पहले यहाँ पे उनको शायद खाना पेश किया जाता होगा। हॉल से निकलने के बाद उल्टे हाथ पे पिलर पॉलर के नाम से एक और कमरा था और यहाँ का मंजर अलग ही था। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन से बना हुआ ये कमरा सबकी तवज्जो का मरकज बन जाता होगा। खूबसूरत पिलर्स पे महारत से बनाए हुए डिज़ाइन और पीछे दीवार पे लकड़ी की काश्तकारी की तारीफ लफ्ज़ों में करना बहुत ही मुश्किल है। इस कमरे में पिलर के साथ बहुत ही खूबसूरत सी एक फायरप्लेस भी बनाई हुई है जो इस कमरे की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। हर फायरप्लेस अमूमन पहले फायरप्लेस से डिफरेंट होती है। यहाँ पे ये भी बहुत ही यूनिक है और इस फायरप्लेस की खूबसूरती पिलर पे बना हुआ आर्किटेक्चर है। पिलर पार्लर से निकलने के बाद हमें गोल घूमती हुई सीढ़ियां नजर आईं और ये सीढ़ियां हमें किले के ऊपर वाली मंजिल पे लेके आ गईं। ये वॉल वॉक शायद बादशाह अपनी मलका के साथ किले के मुआयने के लिए इस्तेमाल करते होंगे, जैसे हमारे घरों में टेरेस होते हैं और लोग टेरेस पे वॉक करने निकलते हैं। यहाँ से चारों तरफ का हसीन नज़ारा आता है। किले के इस हिस्से में चलते हुए गुमान हुआ शायद ये जगह बादशाह अपनी रियाया से मुखातिब होने के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे कि जब बादशाह सलामत जलवा फरोज होते होंगे तो नीचे से उनकी सलामती के लिए सदाएं बुलंद होती हों। वॉल वॉक के बाद जब हम बलाई मंजर में अंदर आए तो हम जिस कमरे में दाखिल हुए उसका नाम था स्टार चैम्बर। और इसका नाम स्टार चैम्बर इसलिए था क्योंकि इसकी छत के ऊपर हर तरफ सितारे बने हुए हैं और मंजर कशी कुछ ऐसे की गई है जैसे नीले नीले अंबर पर चारों तरफ टिमटिमाते हुए सितारे हों। इस कमरे में पुराने वक्त का जो फर्नीचर था उसकी शबी बना के रखी गई है जिससे अंदाज़ा होता है कि किस अंदाज का फर्नीचर उस ज़माने में रखा गया होगा।
यहाँ पे दीवारों पे बड़ी बड़ी रोशन खिड़कियाँ लगी थीं और दूसरी तरफ खूबसूरत पेंटिंग्स थीं। ये कमरा भी शायद पहले किसी ज़माने में खाना खाने के काम आता होगा या फिर कोई ख़ास मीटिंग्स करने के काम आता होगा। स्टार चैम्बर के साथ ही मुंसलिक एक और खूबसूरत कमरा मार्बल क्लोजे के नाम से था। इसका पूरा फ्लोर सफ़ेद और काले मार्बल से बना हुआ था, जैसे कोई शतरंज की बिसात बिछी हुई हो। यहाँ पे कमरे में चारों तरफ बहुत ही अश्लील पेंटिंग्स बनी हुई थी। शायद ये कमरा दोपहर में खाने के बाद थोड़ा सस्ताने के लिए इस्तेमाल होता होगा या किसी और मकसद के लिए, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये कमरा भी बहुत खूबसूरत था। आखिरकार इतने सारे कमरों से गुजरते हुए अब हम पहुंच गए थे विलियम के बेडरूम में। 18x18 के हिसाब से शायद ये एक बड़ा कुशादा सा कमरा था और मैं बखूबी अंदाज़ा लगा सकता था कि इस रूम में एक बड़ा किंग साइज़ बेड और साथ ही शायद आर्म चेयर बआसानी आ सकती होगी। इस कमरे में दाखिल होकर मेरे दिमाग में ओम शांति ओम के शाहरुख खान का वो डायलॉग याद आ गया कि यश चोपड़ा के सेट की तरह शानदार बेडरूम होगा, गोल बेड के साथ, और जब मैं सुबह उठूंगा तो मेरे कदम संगमरमर के फर्श पे पड़ने से पहले एक नौकर मखमल की चप्पल लाकर मेरे पैरों में डाल देगा। राजकुमार वाला सिल्क का गाउन पहन के जब मैं बाहर निकलूंगा तो दूसरा नौकर जूस का ग्लास लेकर खड़ा होगा। शायद ये तो मूवी का डायलॉग है, लेकिन विलियम के बेडरूम में मुझे ये प्रॉपर फिट होता हुआ नज़र आ रहा है। बेडरूम के बिल्कुल साथ ही एक छोटा सा कमरा हेवन क्लोजे बॉल्सओवर का सबसे यूनिक और स्पिरिचुअली थीम रूम है। इस कमरे का नाम हेवन क्लोजे इसकी डिवाइन और सेलेस्ट्रियल आर्टवर्क की वजह से रखा गया है। इस कमरे की छत के ऊपर विलियम के बिलीफ के मुताबिक जन्नत की एक मंजरकशी की गई है। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान है जन्नत और दोजख में, मगर मेरे नज़दीक जन्नत शायद बहुत ही हसीन और बहुत ही ऐसी चीज़ है जिसको इमेजिन करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और उसकी मंजरकशी करना कोई आसान नहीं है, और वो शायद अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों के लिए रखी है जिनको क़यामत के बाद वो जन्नत से नवाजेंगे। बेडरूम के साथ एक और छोटा सा रूम एलिसियम क्लोजे के नाम से था। इस रूम की दीवारों पे भी हर तरफ बरहना तस्वीर बनी हुई थी, शायद ये लोग इसको डिवाइन आर्टवर्क का नाम देते हैं। एलिसियम ग्रीक मिथोलॉजी की जन्नत को कहते हैं। खैर, इस कमरे का आर्टवर्क और आर्किटेक्चर देखने वालों को हैरान ज़रूर कर देता है। कमरे में मौजूद छोटी सी खिड़की से छन के आती हुई रोशनी कमरे में मौजूद एक एक चीज़ को रोशन कर रही थी। बेडरूम के बाहर का जो हिस्सा है उसका नाम लेंटन शायद उसके ऑक्टेगोनल स्ट्रक्चर की वजह से रखा गया है। इतना हसीन आर्किटेक्चर बनाया है कि चारों तरफ की खिड़कियों से पूरा दिन पूरा महल रोशन होता है। इसकी ऊपर छत का डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत है। इस जगह को देखकर मुझे एक चीज़ मुग़ल एम्परर्स और विलियम में कॉमन लगी और वो है उनका आर्किटेक्चरल सेंस। सबसे आखिर में सीढ़ियों से नीचे आके मैंने किचन देखा जो कि एक तरह से बेसमेंट में बनाया गया था। किचन के अंदर चूल्हा और दूसरा खाना पकाने के सामान को रखने के लिए मुख्तलिफ स्लैब्स बने हुए थे। किचन के साथ ही एक और कमरा भी था जहां पे मुख्तलिफ बड़ी बड़ी टेबल्स लगी हुई थी। देखने में ऐसा लगता था जैसे ये कमरा खाना स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता हो या फिर बर्तनों में खाना रख कर नौकर इसको ऊपर बलाई मंजिल पर लेके चले जाते हों। जो भी था, ये पूरी जगह इसी चीज़ की मंजरकशी कर रही थी कि यहाँ पर नौकर चाकर मेहमानों के लिए खाना पकाते होंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बॉल्सओवर कैसल? आई होप सो बॉल्सओवर कैसल की ये पूरी सीरीज देखने के बाद आप लोगों के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हो गई होगी कि चलो यार चलते हैं बॉल्सओवर कैसल या इस जैसा कोई और कैसल देखने के लिए। अगर आप यूके विजिट कर रहे हैं, यूके में रहते हैं या आना चाहते हैं तो बॉल्सओवर कैसल को अपनी विश लिस्ट और बकेट लिस्ट का पार्ट जरूर बनाएं, और इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी फीडबैक जरूर दें हमें कमेंट सेक्शन के अंदर, और कोई नई जगह अगर आप जाना चाहते हैं जहां का वीलॉग देखना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।